इस समय जब पूरा भारत कोरोना वायरस के प्रकोप को झेल रहा है और साथ ही साथ 21 दिनों का जो लॉकडाउन हो गया है, इस समय बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि यार वर्क फ्रॉम होम तो सही बात है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनका हम डेटा पैक्स यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे चाहे फिर फाइबर नेटवर्क या फिर वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटर्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जितने भी प्रोमिनेंट इंडिया के ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, MTNL, BSNL और साथ ही साथ आपका वोडाफोन आइडिया, ये लोग क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं अपने वायरलेस कस्टमर्स को और साथ ही साथ फिक्स ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस जियो की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास। तो रिलायंस ने सबसे पहले जो पेशकश की है वो यही है कि जो भी नए कंज्यूमर्स रिलायंस का सर्विस यूज करना चाहते हैं उन्हें फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जिसकी स्पीड रहेगी 10 Mbps। इसमें क्या करना होगा कि आपको खाली राउटर का पैसा देना पड़ेगा, यानी कि जो पहले अगर आप जब से लॉकडाउन हुआ है इससे पहले की बात करें तो आपको 2,500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ते थे जिसमें से 1,500 रुपये था आपका राउटर का चार्ज और साथ ही साथ रिफंडेबल डिपॉजिट था वो और साथ ही साथ 1,000 सर्विस चार्जेस। लेकिन अब रिलायंस ने कहा है कि हम सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कंज्यूमर्स को खाली 1,500 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं जो रिफंडेबल डिपॉजिट है और उसके साथ ही साथ वो जब तक चाहे नेट यूज कर सकते हैं एक रिड्यूस स्पीड पे, यानी कि 10 Mbps की स्पीड। इसके अलावा जियो ने जो अपने मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए कहा है कि जितने भी 4G के डेटा वाउचर्स है उनको डबल डेटा मिलेगा जब भी कोई रिचार्ज करेगा उन्हें, जिसमें कि आपको डेटा के अलावा नॉन जियो फोन को कॉल करने के लिए भी बंडल्ड कॉलिंग मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं कि जियो के जो एग्जिस्टिंग फाइबर यूजर्स हैं जियो सर्विसेज के, उनको क्या होगा कि जितना भी वो रिचार्ज करवाएंगे जिस प्लान में है सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल डेटा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये स्कीम ऐसे नहीं है, ये वेलकम ऑफर जब उन्हें स्टार्ट किया था अपना सर्विसेज तब भी उन्होंने बोला था कि जो भी डेटा करेंगे उनको एज ए वेलकम ऑफर के तहत डबल मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड था। लेकिन अब जो कर दिया गया है वो कर दिया अनलिमिटेड, जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं आएगी तब तक के लिए आपको जितना भी आप रिचार्ज करेंगे अपने फाइबर पे वो आपको डबल डेटा मिलेगा। जो 11 रुपये का पैक होगा उसमें आपको मिलेगा 800 MB का डेटा अलॉन्ग विथ 75 मिनट्स ऑफ जियो टू नॉन जियो मिनट्स। 21 रुपये के पैक में आपको 2 GB का डेटा मिलेगा प्लस 200 मिनट नॉन एयरटेल फोन पे कॉल के मिनट्स मिलेंगे। इसके अलावा 51 रुपीज़ का जो एड ऑन पैक है उसमें आपको मिलेगा 6 GB का डेटा और साथ ही साथ 500 मिनट्स नॉन एयरटेल फोन पे कॉल करने के लिए। और 101 का प्लान में आपको मिलेगा 12 GB साथ ही साथ 1000 मिनट्स ऑफ कॉलिंग। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो एड ऑन पैक है इनकी वैलिडिटी तब तक ही है जब तक आपका एग्जिस्टिंग पैक चल रहा है, जैसे ही आपका एग्जिस्टिंग पैक खत्म हो जाएगा इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जियो ने एक और नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम प्लान। इस प्लान का कॉस्ट है 251 रुपीज। इस प्लान में आपको 2 GB डेटा मिलेगा हर दिन और इसकी वैलिडिटी रहेगी 51 डेज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है इस प्लान में ना आपको कॉलिंग का कुछ मिनट्स मिल रहा है ना तो कोई SMS मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं MTNL की। MTNL दो जगहों पे काम करता है, एक दिल्ली और एक बॉम्बे। उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने जो ऑफर निकाला है वो निकाला है जो भी आप इस टाइम पे रिचार्ज करेंगे वो आपको डबल डेटा बेनिफिट्स फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कि जो भी आप रिचार्ज करेंगे उसका आपको डबल डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा MTNL ने एक और घोषणा की है, अगर कोई भी कंज्यूमर, नया कंज्यूमर MTNL का कनेक्शन लगाना चाहता है खासकर कॉपर बेस्ड कनेक्शन, उसे फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगी, बस उसे मॉडेम का खर्चा देना होगा। अगर स्पीड की बात करें MTNL के जो डिफरेंट ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं वो 6 Mbps से लेके 100 Mbps की स्पीड देते हैं अपने डिफरेंट ब्रॉडबैंड प्लान्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं BSNL की। BSNL ने कोई नया प्लान तो अनाउंस नहीं किया है पर उन्होंने कहा है कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो एक नया प्लान है वो यूज़ कर सकते हैं, वो है वर्क फ्रॉम होम प्लान। इसके तहत वो
5 GB का डेटा यूज कर सकते हैं पर डे एट द स्पीड ऑफ 10 Mbps। लेकिन जैसे ही आपकी 5 GB का डेटा एग्जॉस्ट हो जाएगा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी 1 Mbps तक, लेकिन डेटा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि उन लोगों ने BSNL ने अपने मोबाइल यूजर्स के लिए कोई अलग से प्लान नहीं निकाला। ये जो प्लान था ये उनका फोन सर्विसेज यूज करने वालों के लिए, जो उनका ब्रॉडबैंड प्लान यूज करते हैं उनके लिए, और ना ही कोई स्पेशल प्लान निकाला है नए कस्टमर्स के लिए अगर कोई नया कंज्यूमर BSNL सर्विसेज यूज करना चाहे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल ने कोई नया प्लान एज सच अनाउंस नहीं किया अपने फाइबर सर्विस यूजर्स के लिए, ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए, मोबाइल यूजर्स के लिए, बल्कि उन्हें ये कहा है कि अगर हम ऑलरेडी बड़े एफोर्डेबल प्लान्स ऑफर कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट 700 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 1500 रुपये तक जाते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बोली है कि अगर कोई भी नया कस्टमर एयरटेल सर्विसेज यूज करना चाहता है, खासकर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, उनसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन फीस नहीं लेंगे। बट इसके अलावा एयरटेल ने एज सच कोई स्पेशल प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए या ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए की घोषणा अभी तक नहीं की है। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि जितने भी उनकी इस टाइम एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, उन सब के रिचार्ज प्लान से, मोबाइल रिचार्ज प्लान पे डबल डेटा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किस किस प्लान पे वोडाफोन आइडिया डबल डेटा बेनिफिट्स दे रहा है। 249 का जो प्लान है, 399 का प्लान है, 599 का प्लान है, इन सब में आपको मिल रहा है डबल डेटा बेनिफिट। तो स्टार्ट पे 249 का जो प्लान है उसमें यूजर्स को मिलेगा 3 GB ऑफ डेटा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 28 दिन। सिमिलरली 339 के प्लान में आपको 3 GB का डेटा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी रहेगी 56 डेज। और 599 का जो प्लान होगा उसमें आपको 5 GB का डेटा लिमिट मिलेगा और साथ ही साथ आपको वैलिडिटी मिलेगी 84 डेज। और जितने भी प्लान हैं इन सब में अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है और साथ ही साथ Z5 और वोडाफोन प्ले का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे ऑपरेटर्स के अभी तक के अपडेट्स जो ने अनाउंस किए हैं डेटा प्लान से रिलेटेड। अगर आपके कुछ सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे उनका जवाब आप तक पहुँचाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा और जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।